ये हॉर्न है, साइज़ के छोटे हैं, ऊपर आप मेंशन किया हुआ हेला TC1BLT 12 वोल्ट 400 हर्ट्ज़। ये 400 हर्ट्ज़ मतलब ये लो टोन हॉर्न है, तो LT लिखा हुआ है, LT लो टोन, एंड ये हॉर्न में लिखा हुआ है आप देख सकते हो। एंड ये हॉर्न का रिले वायरिंग, ये हो गया रिले हॉर्न का, एंड ये और वायरिंग भी हुई एकदम ज़बरदस्त प्रोफेशनल टाइप की, जैसे वायरिंग बन के आती है ना उस साइड से मैंने वायरिंग पूरी बना दी। अब देख, अब दबाते हैं हॉर्न। हेलो एवरीवन, दिस इज योर करण सस्तिकार, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग, होप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो क्या होने वाली है, आज एक ही दिन में दो वीडियो बना रहे हैं, एक वीडियो वायरिंग हार्नेस की बनी है, दूसरी वीडियो बना रहा हूँ अपने होंडा डियो में इंस्टॉल करने जा रहा हूँ ट्रम्पेट हॉर्न हेला का, जो सबसे लाउडेस्ट हॉर्न है मेरे हिसाब से। मैंने बहुत सारा हॉर्न अपने गाड़ी में लगाया लेकिन ये हेला का जो हॉर्न है सबसे लाउडेस्ट है, आपको विश्वास नहीं होता। ये हॉर्न का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप आ जाकर चेक करना। हॉर्न इतना लाउड है ना क्रेटा पोलो सब फेल है, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। एक बार हॉर्न मंगा के देख लो इसकी, हॉर्न इतना लाउड है ना। तो ये हॉर्न मैं मंगाया हूँ अमेजोन से, ये करूँगा अनबॉक्सिंग, वो जाएगा घर पे दिखाएंगे हॉर्न आपको। तो ये इंस्टॉल करने वाला हूँ अपने होंडा डियो स्कूटी में, तो चलते हैं घर पे, वहाँ पे करते हैं अनबॉक्सिंग, उसके बाद वीडियो को देखें एंड तक, लाइक करें कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं घर पे, फिर बाकी बात आगे करेंगे। सो ये दो सेट हॉर्न है जो मुझे आज ही अमेजोन से डिलीवरी हुई है सुबह में, तो ये हॉर्न एक पैकेट डिलीवरी हुआ है सुबह अमेजोन से, और ये एक सेट मेरे पास बहुत पहले से पड़ा हुआ था। तो ये है हेला के ब्लैक पर्ल स्टाइल रेंज स्पोर्टी डिज़ाइन हार्मोनिक साउंड, ये हेला के हॉर्न है। इतना लाउड है ना मैं आपको बोल नहीं सकता, जैसे कि पीछे से आप क्रेटा या वोल्सवैगन पोलो गाड़ी आ रही है आपको पीछे हॉर्न मारती है ना, जितना जो आवाज़ आता है ना सेम वही हॉर्न है ये। तो मेरे पास ये दो बॉक्स क्यों है पहले बता दूँ कि ये जो बॉक्स है इसमें जो हॉर्न है आप देख सकते हो, इसके अंदर दो हॉर्न है रखे हुए, तो ये आपको दो हॉर्न दिख रहे होंगे अंदर। तो ये दो हॉर्न मैंने लगाया था अपने पल्सर 220 में, तो मेरे पास पहले पल्सर 220 हुआ करी थी R15 के पहले, तो उसमें ये दो हॉर्न मैंने लगाए थे। तो बाइक बेचने के पहले मैंने ये हॉर्न खोली, क्योंकि बहुत ये हॉर्न बहुत कीमती है भाई, बहुत ज़्यादा लाउड है। तो ये दो हॉर्न मैंने खोल लिया, तो मैं सोचा कि R15 में लगाऊंगा बाद में, तो इसलिए मैंने ये हॉर्न खोल के रख लिया था। तो अभी टाइम आ गया है हॉर्न लगाने का, तो सबसे पहले ये आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा देते हैं। तो ये पहले हॉर्न यूज हो चुके हैं, एकदम नया है, बस ये हॉर्न यूज़ हुआ है 2 महीने, सिर्फ 2 महीने अपने बाइक में हॉर्न लगा के रखा हुआ था ये। तो आप देख सकते हो, एक हॉर्न निकाल के दिखा देते हैं। तो ये हॉर्न है, साइज़ के छोटे हैं, ऊपर आप मेंशन किया हुआ है हेला TC1BLT 12 वोल्ट 400 हर्ट्ज़। ये 400 हर्ट्ज़ मतलब ये लो टोन हॉर्न है, तो LT लिखा हुआ है, LT लो टोन, एंड ये हॉर्न में लिखा हुआ है आप देख सकते हो 12 वोल्ट 500 हर्ट्ज़। HT मतलब हाई टोन, ये हाई टोन एक लो टोन, ये दोनों हॉर्न है, ये दो हॉर्न है। साइज़ बहुत छोटे हैं हॉर्न के, एंड बहुत लाइट ही वेट है ये, हेला के ओरिजिनल हॉर्न है ये, एंड हेला तो आप जानते थे जर्मन मेड कंपनी है। एंड और बॉक्स कंटेंट में इसके क्लैंप भी है, पैकेट में देख सकते हो, तो ये इसका क्लैंप भी आता दोनों हॉर्न का, तो ये मैंने यूज़ नहीं किया था। तो और एक साथ में मिलती है वायरिंग की सेट, तो ये मॉडल में इसमें वायरिंग की सेट मिली है साथ में, भी आप वायरिंग कर सकते हैं इसके साथ। तो ये एक अनबॉक्स हो गया, तो ये एक सेट हॉर्न ये जो है मैं लगाने वाला हूँ अपने होंडा डियो में, तो ये एक सेट लग जाएगा मेरे होंडा डियो में स्कूटी में, और ये एक सेट ये वाला है। तो इसको करते हैं अनबॉक्सिंग, अमेजोन से आज ही सुबह ये डिलीवरी हुआ है, तो इसका रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट रखते हैं साइड। और ये देख सकते हैं सेम बॉक्स है, पर्ल हेला स्टाइल, और ये बॉक्स देख लो दोनों सेम हॉर्न है। तो अब इसको भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मंथ ऑफ मैनुफैक्चर 2021 मार्च, और अभी चल रहा है अप्रैल, जस्ट एक महीना पुराना हॉर्न है, एक महीना पहले मैनुफैक्चर हुआ है। और ये वाला हॉर्न पुराना वाला ये है 2019 का, आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है जर्मनी 2019, मतलब कि हॉर्न 2 साल पुराने हैं ये, 2 साल पुराने मतलब यूज़ ही नहीं हुआ है, ये नया ही है। तो अभी नया वाला अनबॉक्स कर देखते हैं इसमें कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये न्यू वाले हॉर्न, तो ये न्यू हॉर्न है एंड सेम है, देख लो जैसे पुराना वाला जो था सेम उसी की तरह दिख रहा है, कुछ भी अंतर नहीं है, सेम हॉर्न हिला के। और दूसरा पीछे भी दिखा देते हैं, ये हो गया लो टोन, ये भी सेम है हॉर्न न्यू, एंड दोनों इसके साथ। और क्या है, इसे क्लैंप मिलते हैं अंदर पैकेट में, एक और है क्लैंप, एंड इसके 2 नट। तो बॉक्स कंटेंट में अभी वायरिंग देना बंद कर दिए, क्योंकि पहले देखिए अभी देख सकते हैं ये वायर मुझे मिला हुआ है साथ में, पुराने वाले हॉर्न के साथ में मुझे वायर मिला था, लेकिन अभी वाले जो है शायद इसमें चेंज करके वायर नहीं दिया इसमें, और प्राइस भी बढ़ गई है। तो अभी का प्राइस दिख रहा है 981 रुपीज़, एंड पहले वाला जो प्राइस था उसका प्राइस था, एक फोकस कर ले भाई, 798। तो प्राइस में 100-150 रुपये इंक्रीमेंट हुई है, इंक्रीमेंट के साथ साथ इन्होंने वायर भी गायब कर दिया। तो और एक चेंजेस मुझे दिख रहा है कि आप इसकी क्लिप देख लो, इसकी क्लिप जो हॉर्न वाली क्लिप ये सिल्वर कलर की है, शायद इन्होंने शायद स्टेनलेस स्टील की कर दी है, और पहले वाले हॉर्न में जो ये आते हैं पित्तल के आप देख लो, ये है गोल्डन, गोल्डन जो पित्तल तांबा करते हैं ना, ये तांबा कॉपर,
ये देखो ये प्योर कॉपर के हैं, इसमें इसमें हेला मेंशन किया हुआ है, तो इसके गोल्डन है और न्यू वाले हॉर्न के हो गए हैं सिल्वर कलर के, पता नहीं उन्होंने क्या चेंजेस किया है। तो ये न्यू वाले, तो ये न्यू वाले सेट है, ये लगा देता हूँ मैं आपने R15 वर्जन 3 में, जो कि ये वीडियो के बाद दिखेगी आपको। और ये पुराने वाले सेट जो है हॉर्न, ये भी न्यू है, ज़्यादा यूज़ नहीं, 2 महीने यूज़ हुए हैं, तो ये लगा देते हैं अपने होंडा डियो स्कूटी में। तो चलते हैं बाहर स्कूटी में, सारा आगे का वाइजर वगैरह खोलते हैं और ये हॉर्न की वायरिंग करते हैं। आ गई अपनी होंडा डियो मेन स्टैंड पे एंड यहाँ सारे सामान लेके आ गया हूँ। तो यहाँ मेरा हॉर्न जो आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाया था अभी, और एक स्टेनली टूल किट रखा हुआ है, एंड बाकी सब सामान मैं लेके आया हूँ, प्लास टीप आने वायरिंग वायर कटर स्ट्रिपर छोटे छोटे स्क्रू ड्राइवर एंड पाने लगेंगे और बहुत सारे। एंड यहाँ पे रखा हुआ है नट बोल्ट्स, क्योंकि जब हॉर्न लगेगी तो आपको नट बोल्ट ज़रूरत पड़ेगी, तो मेरे पास बहुत सारे एलन की भी रखे हुए हैं एंड हैक्स भी है। एंड ये हॉर्न का रिले वायरिंग, ये हो गया रिले हॉर्न का। एंड ये वायरिंग हार्नेस जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बना के दिखाई थी, तो ये वायरिंग हार्नेस है जो हॉर्न के साथ में लगने जा रही है। तो ये हॉर्न वायरस लगने वाली है हार्नेस, सो हॉर्न इंस्टॉल करना है इसके अंदर में। तो ये जो पूरी फेयरिंग कंप्लीट आपको खोलनी पड़ेगी, तो सबसे पहले ये जो आपको स्क्रू दिख रहे हैं स्टार वाले, ये पहले आपको खोलना है। उसके बाद बैक साइड आ जाएंगे तो बैक पैनल से सबसे ऊपर वाले स्क्रू खोलना है, ऊपर वाला, फिर सेकंड, फिर ये थर्ड, ये तीन आपको खोलना है लाइन से, आप देख लो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये तीन खोलना है आपको, तब जाके ये बाहर के पैनल बाहर निकलेगी। बैक साइड से 1, 2, 3, फिर फ्रंट के डाउन से यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक स्क्रू अंदर में फ्रंट बॉडी के, यहाँ पे ये दो तो खोलना ही आपको, फिर जस्ट ऑपोजिट ऊपर के 1, 2 और ये 3, ये 3 खोलने हैं। और इसके भी जस्ट नीचे में एक है स्क्रू, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सारे स्क्रू खोल के पूरा पैनल बाहर निकाल के फिर आपको दिखाता हूँ। सकते हैं कि मैंने फ्रंट का जो पूरा कंप्लीट काउल वाइजर है इसका खुल गया है, तो ये फ्रंट वाला कवर, उसके बाद हेडलाइट की पूरी सेट जो आती है वो फ्रंट वाली कवर रहती है, ये बाहर निकल गई है। तो यहाँ पे लगा हुआ है मेरा हॉर्न, प्लेन हॉर्न दे सकते हैं जो आती है स्कूटी की तरफ से लगा हुआ आता है इसमें, जिसमें जान ही नहीं है, आवाज़ ही नहीं है, तो एक बार आपको बजा के दिखा देते हैं। तो आवाज़ सुना कि मेरा हॉर्न जो ख़राब हो चुकी है, सो फिर से एक बार आपको सुना देते हैं आवाज़, देखो तो ये ठीक से बज नहीं रही है, तो अभी हमें इसे निकालना पड़ेगा। आप देख सकते हो, तो ये दो इसके ओरिजिनल वायर है जो लगे हुए हैं, तो ये हॉर्न को निकालना होगा और उसके बाद लगाते हैं ये। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं बाहर। सो यहाँ पे मैंने स्टॉक हॉर्न को जो यहाँ से निकाल दिया है, एंड ये जो एरिया पूरा कंपार्टमेंट ने कपड़े से क्लीन कर दिया, बहुत गंदा हो गया था। तो अभी आपको ओरिजिनल हॉर्न कहाँ इंस्टॉल करना है, ये सबसे पहले ये पोजिशन देख लो, ये लेफ्ट साइड में मेरे फ्रंट से लेफ्ट साइड में यहाँ पे जो ओरिजिनल हॉर्न लगा हुआ था, ये एक 10 mm का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, एक हॉर्न आपको यहाँ लगाना, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पूरा खाली एरिया, तो वो बड़े वाले जो हॉर्न है वो यहाँ पे आराम से लग जाएगा, कहीं सटेगा भी नहीं। एंड दूसरा हॉर्न आपको लगाना है ये पोजीशन में, यहाँ भी दो देख सकते हैं, यहाँ 10 mm का दो बोर्ड लगा था, ये बोर्ड मैंने खोल लिया यहाँ से। तो एक राइट साइड वाला हॉर्न जो है वो लगेगा यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे एरिया पूरा खाली है, तो यहाँ पे इसका पोजीशन हो जाएगी आराम से, यहाँ लग जाएगी, और एक क्लंप यहाँ से, एक क्लंप यहाँ से, दो हॉर्न यहाँ लगेगा। और अब सबसे पहले लगाते हैं रिले, रिले लगा के रिले के वायरिंग करते हैं, फिर लास्ट में हॉर्न की क्लैंपिंग करेंगे और पोजीशनिंग करेंगे, तो पहले रिले लगा लेते हैं। सो पहला पार्ट जो यहाँ हो गया कंप्लीट, आप देख सकते हो यहाँ पर रिले मैंने माउंट कर दिया इसके चार्जर में। तो यहाँ मैंने दे दिया एक एलन बोल्ट, न्यू बोल्ट, बोल्ट मैंने चेंज कर दिया, बोल्ट की लेंथ थोड़ी छोटी हो रही थी, मेरे पास जितने बोल्ट सब एलन बोल्ट ही रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने वॉशर के साथ में, एलन बोल्ट के साथ में यहाँ पर रिले आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया, पोजीशन देख लो आप, चेक कर लो, क्योंकि अगर आपको इंस्टॉल भी करने पर डीओ में तो ऐसे ही करना पड़ेगा। एंड 85 और 86 नंबर में ये जो ओरिजिनल हॉर्न की वायर आ रही है गाड़ी के अंदर से ना, जो मेन स्विच से आ रही है, वो आपको 86 से 87 में लगाना है, लगाते साथ आपकी हॉर्न ये जो रिले है वर्किंग करना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको मैं यहाँ पे की लगा के चेक करा देता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ दबाऊंगा ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे नॉइज़ आ रही है, तो ये रिले काम कर रहा, देख सकते हो किट 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 करके आवाज़ कर रही है ये। तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, और अब लगाना है 30 नंबर पिन को, बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ना है,
बैटरी पॉजिटिव से 30 नंबर को जोड़ना है, वो पहले एक वायर लगाते हैं। तो यहाँ पे जो टर्मिनल था बैटरी का मेन पॉजिटिव वाला, आप देख सकते हो ये वायर जा रही है, जो ये ग्रीन वाली जिसमें ब्लैक कलर का कैप लगा हुआ है, ये लग गया मेन बैटरी का। और एक जो मेन हॉर्न की आउटपुट आने वाली है, ये रेड वाला देख सकते हो, रेड वाला कैप लगा हुआ है, जो इंसुलेटर, ये रेड वाली वायर आ गई है, ये हो गई हॉर्न की। तो एक हॉर्न की एक एंड में जाएगी और दूसरा एंड जाएगी दूसरे हॉर्न में। तो अभी क्या करते हैं, पहले हॉर्न लगा लेते हैं, फिर लास्ट में जो वायर बचेगी पॉजिटिव नेगेटिव वाली वो लगाएंगे। तो अभी ये हॉर्न है, तो ये दो क्लैंप मेरे पास पहले से पड़े हुए थे, ये थोड़े मोटे क्लैंप हैवी, आप देखते हो बहुत ठीक है ये। तो ये क्लैंप मैं यूज़ करूँगा मैं हॉर्न के लिए। तो ये हॉर्न के साथ जो ब्लैक वाला क्लैंप मिला था पैकेट के अंदर, मैं वो यूज़ मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो बहुत पतला है, तो उससे वाइब्रेशन ज़्यादा होगी। तो ये पैकेट देख रहे, ये ब्लैक वाली क्लैंप, ये मैं यूज़ नहीं करूँगा ओरिजिनल वाली, ये थोड़ी थिन है तो हॉर्न की वाइब्रेशन ज़्यादा होगी इससे। तो ये मैं क्लैंप यूज़ कर रहा हूँ मेरे पुराने हॉर्न के हैं, ये थोड़े थिक है, तो पहले रूट्स का हॉर्न लगा हुआ था उसका क्लैंप हॉर्न ख़राब हो गया, तो उसका क्लैंप यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके क्लैंप में ये दोनों हॉर्न जो है मैं लगा दूंगा। तो ये भाई हॉर्न को पहले बाहर निकाल लेते हैं, ये एक हॉर्न, ये आपका हो गया हाई टोन, और ये आ गया दूसरा लो टोन। तो ये वाले क्लैंप है, ये आपको लग जाएंगे पीछे हॉर्न के, हॉर्न का नट खोल के, एंड ये ऐसा क्लैंप इसमें लग जाएगा और बाद में ये नट लग जाएगी इसमें। तो ऐसे करके दोनों पर लगा लेते हैं गाड़ी पे, उसके बाद नेक्स्ट काम करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे लग गई हॉर्न, तो राइट साइड का हॉर्न भी यहाँ क्लैंप हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लगा दिया एलन बोल्ट, और लेफ्ट साइड का हॉर्न भी यहाँ माउंट हो गया, लगा दिया एलन बोल्ट वॉशर के साथ, आगे पीछे वॉशर एंड मोटी क्लैंप, पीछे हॉर्न सब टाइट हो गया, एंड यहाँ पूरी वायरिंग हो गई कम्प्लीट। और वायरिंग भी हुई एकदम ज़बरदस्त प्रोफेशनल टाइप की, जैसे वायरिंग बन के आती है ना उस साइड से, मैंने वायरिंग पूरी बना दी, आप देख सकते हो पूरी वायरिंग की स्लीव्स और खरीद के लेके आया था, ये वाली स्लीव्स और पूरे डाल दिया। तो अब देख लो ये ग्रीन वाले वायर पॉजिटिव में जा रही है, फिर यहाँ से होकर के जा रही है 30 नंबर पर रिले के, फिर एक रेड वाली वायर रिले से निकल रही है 87 नंबर, वो जा रही है हॉर्न का एक पोजीशन, फिर वहाँ से एक वायर निकल के जा रही है फिर एक हॉर्न में, एक हॉर्न पॉजिटिव में, फिर एक हॉर्न का भी देख सकते हो यहाँ पर नेगेटिव निकल रहा है, ब्लैक वाली वायर जो ऊपर में है, रेड वायर के जस्ट ऊपर में ब्लैक वाली वायर जा रही है, वो जा रही है एक हॉर्न में यहाँ पे नीचे, फिर ये वायर हॉर्न जा रही है नेगेटिव बैटरी में। तो मैंने बॉडी में कनेक्शन नहीं दे करके डायरेक्ट बैटरी में दे दिया कोई कनेक्शन, एंड जो स्ट्रेंथ रहती है ना पावर की, करंट फ्लो एंड एम्पियर की, वो बहुत बेटर हो जाएगी। एंड वायरिंग भी सारे बहुत मोटे मोटे यूज़ किए हैं, तो अभी वायरिंग कम्प्लीट हो गई है और अभी टाइम है हॉर्न बजाने का। सो बेसिकली हॉर्न इतना लाउड है ना, यहाँ फ्लैट में रहता हूँ तो बजाने में डर भी लग रहा है कहीं बाहर ना आ जाए सब, तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं। तो ये किया ऑन और अब दबाते हैं हॉर्न, भाई साहब इतना जोर है ना, मैं और हॉर्न बजा सकता नहीं हूँ, आपको बाहर में जाकर कहीं टेस्ट कराऊंगा कहीं खुले एरिया में जाकर के, अभी यहाँ बजा नहीं सकता, इतना जोर है, कान बज रहे अभी तक मेरे। तो ये सारा काम कंप्लीट हो गया, अब वापस से जैसे खोला था इसका वाइजर, हेडलाइट कंप्लीट, ऊपर कवर वो लगा करके फिर आपसे बात करते हैं। आपने टोटल हॉर्न देख लिया, लगाना देख लिया, मैंने कैसे स्कूटी खोली, कैसे लगाया, हॉर्न कैसे फिट किया, टोटल नट बोल्ट वायरिंग, जो वायरिंग हार्नेस की वीडियो पहले आपने देखी थी जो मैंने पहले बनाई थी, तो वो वायरिंग हार्नेस मैंने लगाई अपने डीओ पे। तो हॉर्न इतना जोर बज रहा ना, मैं कॉलोनी में हॉर्न बजा नहीं सकता हूँ, इतना जोर बज रहा है हॉर्न। आपने देख लिया हॉर्न की वीडियो, होप करता हूँ आपको हॉर्न अच्छा लगा होगा, पूरा लगाने का प्रोसेस ये शायद बहुत कम जनों ने अपने यूट्यूब में ऐसा वीडियो बनाया कि घर पे वायरनेस हार्नेस बनाई है, घर पे अपने सारा टोटल वीडियो बनाया। तो होप करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगती वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, सबको शेयर करें, तो ऐसा आप यूज करें वायरिंग हार्नेस घर पे बनाया हुआ। तो वीडियो करते हैं यहाँ पे क्लोज, इसकी बाद वीडियो है कि मेरी R15 वर्जन 3, दो हॉर्न आपको दिखाया था ना, एक हॉर्न रेडियो में लगा ली, एक हॉर्न इसमें लगाने वाला हूँ, तो इसकी हॉर्न की वीडियो आएगी इसके बाद में, तो उसके लिए वेट करिए, इसकी हॉर्न कैसे लगानी है सब सारा खोलना पड़ेगा, इसके वायरिंग हार्नेस ही बनाऊंगा घर पे अपने से।
वीडियो करते हैं यहाँ पे क्लोज, ज्यादा ना बात करते हुए। टिल नाउ साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड बाय बाय।